देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज रात नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा स्थापित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सर्वप्रथम बस अड्डा परिसर में स्थापित रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां 31 लोगों के रहने की व्यवस्था है। निरीक्षण के समय 7 यात्री सोते मिले। मौके पर अलाव जलता मिला। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने मछलीहट्टा में स्थापित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। यहां 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है। निरीक्षण के समय 5 यात्री सोते मिले। जिलाधिकारी ने यात्रियों से संवाद कर मिल रही सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। बस अड्डे पर हम लोगों ने रात्रि में रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर मैंने देखा है कि एक तरह की रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, उसके अंदर इन लोगों की व्यवस्था मुझे ठीक ठाक लग रही है, जिसमें बढ़िया चारपाइयाँ लगी हुई हैं और साफ सुथरे गद्दे और कंबल हैं, और साथ ही साथ यात्रीजनों की सुविधा के लिए यहाँ पर एक अलाव की व्यवस्था की गई है। यद्यपि अलाव थोड़ा छोटा है, तो मैं निर्देशित करता हूँ कि इस अलाव को थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया जाए, ताकि यहाँ जो यात्री रुक रहे हैं उनको भी असुविधा ना हो।